आज एक दूसरे का यहाँ पर परीक्षा। देवेंद्र सर क्या यहाँ पर आसानी से छोड़ देंगे या यहाँ पर मुकाबला कड़ा टक्कर होगा? मुकाबला तो बहुत जबरदस्त होगा गुलाब जी, क्योंकि इन दोनों टीमों ने जो प्रथम राउंड में हराया है वो आसान टीम नहीं था, बहुत बेहतरीन टीम था और ये दोनों टीम एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। और फर्स्ट कॉल में पर सुनील गति थोड़ा सा ज्यादा गेंद पे और डिफेंडर आज का इन्हें के इम्तिहान बहुत ज्यादा होगा क्योंकि तिखड़ी जो है बम बम बोले के अग्रिम पंक्ति के यहाँ पर विकास राज 11 के जैसे में लिख लीजिए स्टैम्प पेपर पर कैपिटल लेटर से विकास का नाम ऐसी भी दूर से प्रयास युगल बंदी देख सकते हैं सुनील लोहार और विकास नायक का ऐसा ही आप देख सकते हैं यंग स्टार की तरफ से आप मधु हैं लालू हैं राजन हैं कमतर नहीं है दोनों ही टीम बिल्कुल निसंदेह और मुकाबला हमें लगता है कि बोले के खिलाफ पे ये टक्कर सकता है और टक्कर देने वाला भी मौजूद है और यहाँ आप देख रहे हैं टक्कर देने वाला भी है और टकराने वाला भी है और तालियां बजाने वाला भी मौजूद है। चलिए क्या दस्तूर भी है और आपको देखने के लिए इधर के किनारे किनारे दर्शक भी मौजूद है। इसी बीच भूतपूर्व खिलाड़ी सोमचांद डेंजर कवर सुनिया इस बार लालू के लिए बिल्कुल यहाँ पर गति में मात देने की क्षमता लेकिन इस बार फ्लैग रेज होता हुआ गेंद सीमा के बाहर चले गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए एक ऐसे खिलाड़ी लालू कहीं से भी या उनके ऊपर जितना भी नजर रखे नजर बचा के निकल जाते। इस बार लालू फिर से बार गेंद एकमात्र खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति के और यहां से देखिए थोड़ा सा गोल होल्ड अप प्ले पीछे खिलाया गया और अच्छी तालमेल बिल्कुल नहीं गोपी साई को ढूंढने का प्रयास। पिछले मैच में गोपी की बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग खेल देखने को मिला था और इस बार ठाकुर बेसरा पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी बिल्कुल और इस बार विकास राय क्या कुछ कमाल कर पाएंगे हालांकि हमें विकास राय सुनील को खिलाने का प्रयास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं अरसिबी राजन पिछले मैच के गोल दाता बहुत ही कमाल का गोल अरसिबी राजन आउटपुट से अच्छी पास मधु के लिए पहला पास गेंद थोड़ा सा दूर चल गई लेकिन गेंद का पहुंचने का प्रयास गेंद को रोका गया। इस बार मधु सिंह से था एक क्वालिटी डिलीवरी इनसाइड द पेनल बॉक्स अरसिबी निर्णायक दाता बिल्कुल यहां पर राजन काफी दूर से पैर को चला बैठे थे अंतिम फोकस करें वजह रेफरी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलिए खिलाड़ी साथी से निवेदन होगा आप संयम रखें धैर्य रखें और इस बीच यहाँ पर मौका होगा सुंदर गोल यहाँ पर किक हो सकती जबरदस्त किक अच्छा गोल इसी बाहर बहुत सारे दर्शकों को लगा शायद ये गेंद घास को चीती हुई नेट में चली गई। मैं कहना चाहूंगा आपसे कि ये नेट में नहीं गई दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर ठाकुर ये प्ले मेकर है सर जी ये गेम बनाते हैं गेम चलाते हैं और प्ले मेकर की और यहाँ पर ठाकुर की बात करें तो दो तो ठाकुर मौजूद ठाकुर किसको ठाकुर बेसरा मधु बिल्कुल नाटो साथ करीब में यहाँ पर राजेन मौजूद है ऑटोमेटिक्स में मिडफील्ड में समझान के लिए और यहाँ पर बिल्कुल लालू के पास गेंद बिल्कुल लालू बिल्कुल की तरह घूम कराने बाल दूर से पहचाने जाते हैं लंबी बॉल पर मधु को ढूंढने का प्रयास यहाँ पर मधु बिल्कुल दो खिलाड़ी को बीट करते हुए और यहाँ पर सोमचांद के लिए मौका बनेंगे फिर से सोमचांद होल्ड पे अच्छा कंपटीशन पे एज ऑफ द बॉक्स में यहाँ पर फिर से बार मधु और इसी बीच मैदान को खोलने के अच्छी रणनीति सोचिए और यहाँ से मौका बनेंगे बच गया। चलिए क्या खेल है भाई कंगस्टर के लिए या बम बम भोले के लिए एक ही चीज के लिए ताली बजा रहे हैं वह अच्छा खेल के लिए एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट्स अ बहुत अच्छी बात को नोटिस कराए और इसी बीच बिल्कुल सोल्ड आउट पोस्ट जाने जी कटप्पा बहुत ही हेलो कुछ समय के लिए टेक्निक में व्यवधान के चलते ईरान के घटनाक्रम का आप सभी तक नहीं पहुंचा पाए। फिलहाल फिर से एक बार बॉल पोजीशन देते हुए रेफरी गुरु हासदा इस बार ठाकुर मिडफील्ड में और एक ठाकुर को ठाकुर बेसरा इस बार होल्ड अप प्ले सटीक पास के इस बार देवा के लिए और ऐसा लग रहा है देवा थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है सर जी देवा फुलचांद को ढूंढने का प्रयास इस बार कट बैक करने का फुलचांद बिल्कुल सही जगह सुनील के लिए ऑन द राउंड से
जगह बनाने का प्रयास है उनको मेन टू मेन मार्किंग में। इस बार बाएं पर से कमाल का शॉट अहम समय पर बलकता हुआ, फिर से एक बार मौका मिलेंगे रिटेक में, लेकिन ज्यादा प्रभावशाली इस प्रकार से मौका फिलहाल बम बम बोले का हाथ से निकलता हुआ। टेक्निक कितना मजबूत है गुलाब जी, सुनील लोहा छोटे कद का खिलाड़ी, एक के मोटे तगड़े ऊंचे कद खिलाड़ी को टैकल किया था और लड़खड़ाया था खिलाड़ी बिल्कुल बिल्कुल लालू के पास। लालू अब निश्चित रूप से छोटा है, लेकिन वर्ल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट में इनका कद बहुत बड़ा है सर जी। और इसी बीच आप सुनील फिर से एक बार अच्छा लेव करते हुए आगे मौजूद नहीं, और डिफेंडर अच्छा क्लियरेंस से दिमाग में बीट करता हुआ क्रिकेट यहाँ पर घनश्याम टीम के कप्तान फिर से वर्ड देवा लंबी बॉल पे सुनील को ढूंढना चाहा, जस्ट लोग बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन गेंद लेने में सफल होता हुआ इस बार गोपी साहब कमाल का पास फर्स्ट टच में ही। और इसी बीच कटप्पा दस नंबर ने दस नंबर को इस बार बिल्कुल स्टैंडिंग फुट पे बैठते हुए बैठे थे। जब खिलाड़ी गिर पड़े हो तो निर्णायक मन को जिसे ध्यान दिया जाए, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं बोला इन लोगों। और खिलाड़ियों से विशेष निवेदन होगा आप साफ सुथरा खेले, टाइम वेस्ट कर रहा है, झूठ मूठ लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है तो उल्ट ये करे, पांच मिनट ऐसे वेस्ट कर दे रहा टाइम। चलिए फिजिकल बैटल बीच बीच में बिल्कुल अक्सर बड़े टीमों के बीच में दिखाई देता है सर जी, और भी दिखाई दे रही है। हालांकि बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, पर दर्शक पूछ रहे हैं कटप्पा गोल क्यों नहीं मार रहा है भाई अभी तक। अरे 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 तो ट्रीटमेंट तो बाहर करो, तरीके से हमर मौका हो सकता था। सुंदर पास मधु के लिए, फिर से मधु अब क्या करेंगे ड्रिबलिंग करने की कोशिश यहाँ पर विकास गेंद के सामने नहीं रुक पाएंगे शायद, दोनों फिर से पार किया गेंद पार, फिर से फाउल, फिर से उसी मधु को। और आज कहीं न कहीं मिस अर्जित कर दे मधु, और यहाँ से बहुत ही खतरनाक होगा। और अब तक गुलाब जी जितना आउट जितना कॉर्नर सबसे ज्यादा फाउल यहाँ पर होता हुआ, दर्शक काफी निराश है इस प्रकार के खेल से। हालांकि निर्णायक महोदय बिल्कुल सटीक निर्णय देते हुए एक मौका बहुत यहाँ पर यंग स्टार के लिए दबाव जरूर बनाना है यंग स्टार की टीम ने। और यहाँ पर देखने वाली बात है ये सेट पीस से इस बार इन स्विंगिंग गेंद तरुण महतो ऑफ द लाइन है, बहुत अच्छी तरह से गोल कीपिंग करते हुए और कुछ हद तक यहाँ पर बम बम भोले को दबाव महसूस होता हुआ। हालांकि समय अभी बहुत बाकी है, जल्दबाजी होगा क्या होने वाला है, पर लग तो रहा है कि यंग स्टार पूरी तरह इस मैच में हावी होता हुआ बिल्कुल। और ठाकुर इस बार पीछे खिलाया और मैदान को खोलने के लिए अब अलग रणनीति के साथ बम बम भोले को टीम करता इस बार सागर सिंह सदा, अच्छी है लालू के लिए और इस बार लालू गति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास, और उनको आज कहने के बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है ठाकुर किसकू के द्वारा लालू को रोकना। इसी बीच रंग लाल पूरी तरह बैक पिस्ट को संभालते हुए, जब से टीम का गठन हुआ है गुलाब जी तब से पूरी तरह रंग में जमे हुए है रंग लाल। और इसी बीच ये बहुत बड़ी गेंद थी और इस बार दोनों गोल मारते हुए, और यहाँ पर दोनों सरे गोल मारते हुए साइलेंट हुए। हालांकि दोनों ने गोल मारा पर मारने से ज्यादा करने से ज्यादा गोल हो गया, क्योंकि इस बॉल को पकड़ सकते थे बिल्कुल अनुमान नहीं था, उनको लगा कि गेंद शायद बाहर जाएगी और इस प्रकार से एक आसान सा गोल मिलता हुआ दबाव बना यंग स्टार ने, और दबाव का मुकाबला करते हुए बम भोले ने अपने चिरपरिचित अंदाज में एक गोल करना सफल रहे यंग स्टार। क्या बात से करने में सफल होंगे इस बार समझा भूतपूर्व खिलाड़ी है, इस बार सुनील के पास गेंद कटप्पा करता हुआ, हर बार सुनील बिल्कुल अच्छा कटप्पा करते हुए इस बार बाएं पर से शॉट निकाला जरूर, लेकिन डिफेंडर इस बार बचाते हुए, लेकिन अब मजा आने वाला है बहुत बार खटखटा यहां पर दरवाजा यंग स्टार ने तरुण महतो का, लेकिन तरुण महतो अभी तक खोला नहीं बिल्कुल। गुलाब जी आपने सही कहा मजा आने वाला है, मजा किसको आने वाला है ये भी थोड़ा बता दीजिए, शायद दर्शकों को सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ ये बम बम भोले
और जब भी शुरुआत करते हैं आग लगा के शुरुआत करते हैं, अरे कि आग लगा दी है, राख बचेगा कि नहीं बचेगा, इधर समय बचेगा बताएगा। हालांकि इस आग को बुझाने का काबिलियत है जमेश्वर के पास, लेकिन समय रहते बताना होगा। बिल्कुल, शुरुआती चरण में उन्हें कोई मौका मिला था, लेकिन न्यू बॉल के सामने से उनका भी गेंद बाहर चला गया था, और उसके बाद से बीच में बहुत ज्यादा बैटल देखने को मिला। और इसी बीच लक्ष्मण चलिए फिर से समचांद के पास, समचांद के सामने मधु बिल्कुल गेंद के करीब, फिर से आउट के आसपास। यहाँ पर देखिए मधु साथी खिलाड़ी के लिए गोपी साहब बिल्कुल मधु का मौका होगा जोरदार किक, लेकिन गोल पोस्ट पर जाने से गेंद को रोका गया। फिर से मधु को जोरदार किक, फिर से विकास के खाई में लगती हुई गेंद, फिर से क्या जबरदस्त खेल, क्या जबरदस्त टक्कर दोनों के बीच, फिर से चार नंबर के पास गेंद उछाला बिल्कुल डिफेंस के करीब से, लेकिन तरुण के सचिव जहां मौजूद हो उतना आसान भी नहीं होगा। बिल्कुल, यहां पर जाने सिंह को जल्दबाजी कर बैठे और थोड़ा सा एक पे ज्यादा ले सकता था। दोलू सरेन का गोल मैच में फैसला बनता हुआ, लेकिन आज अभी तक का खेल में विकास सुनील का कोई भूमिका नहीं, भले बढ़त बनाए हैं टीम बम बम बोले। और इस बार गोपी साहब गेंद दरअसल यहां पर पूरी तरह से चिपक गए थे बूट के नीचे, हालांकि इस बार विकास सुनील ठाकुर है यहां पर छह नंबर के जैसे में ठाकुर बेसरा हॉल ऑफ प्ले, और ये खिलाड़ी पूरी तरह से ऐसे क्वालिटी है इनके पास, गेम को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। ठाकुर बेसरा और इस बीच मैच को खोलते हुए यहाँ पर सुंदर तरीके से पांच साथी खिलाड़ी के लिए यहाँ पर मौका हो सकता है, गेंद को डिफेंस के आसपास हबने, लेकिन सुंदर हेडर के जरिए क्लियर करने में सफल होते होते यहाँ पर हवन हल्की सी अपील की गई थी, यहाँ पर निर्णायक ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।